हेलो रूबीहॉलिक, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप इतना ज़्यादा मेहनत करते कैसे हो। मतलब किसी को लेकर इतना ज़्यादा क्रेज़, ऊपर से इतना ज़्यादा मेहनत करना सच में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पर रूबीना दिलाइक को चमकाया है ना, उसके बाद रूबीना घर से निकलने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है और वो अपने आप पर प्राउड फील करने वाली है ऐसे फैंस को देखकर। वेल, क्या किया है रूबीहॉलिक्स ने और क्या है पूरा सिचुएशन, इसकी सारी डिटेल्स मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन फिल्म विंडो पर बिग बॉस के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। अब यहाँ पर राहुल वैद्य को लेकर पहले 7 मिलियन ट्वीट हो गया था और रूबीना दिलाइक को इतना, मतलब उन्होंने ट्रेंड नहीं करवाया था इतना ज़्यादा, उनके फैंस ने मेहनत कर रहे थे हालांकि, लेकिन अब इनके ईगो पे आया और उन्होंने बोला नहीं भाई, कुछ भी करना है रूबीना ट्रेंड सेटर है, ट्रेंड फॉलोवर नहीं है, तो हमें तो वो चीज़ करनी ही है। इसके बाद इन्होंने इतनी मेहनत की कि ट्वीट पर ट्वीट करते गए और 9 मिलियन का जो आंकड़ा है उन्होंने पार कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। क्रेज़ी हम कह सकते हैं इस पूरे सिचुएशन को। इससे पहले सीज़न 13 की बात की जाए तो आसिम रियाज को लेकर कुछ ऐसा ही क्रेज़ हमें देखने को मिला था, जिस पर 14-15 मिलियन के आसपास ट्वीट हो गए थे और उसके बाद जॉन सीना ने अपने इंस्टा अकाउंट पर उनको शेयर भी किया था आसिम रियाज की तस्वीर को। और कुछ ऐसा ही हो रहा है अब रूबीना दिलाइक के साथ और इतना ज़्यादा पागलपन रूबीना दिलाइक को लेकर हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या 14 और 15 मिलियन का जो रिकॉर्ड है आसिम रियाज का वो रूबीना तोड़ पाएंगी कि नहीं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ी है और टीम रूबीना दिलाइक ने इस बारे में सोशल मीडिया पर कहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर फास्टेस्ट 9 मिलियन इन एग्जैक्ट 22 आवर्स, सिर्फ 22 आवर्स में 9 मिलियन ट्वीट्स हो गए हैं। कीप ट्वीटिंग एंड रिट्वीटिंग, वी हैव टू सेट मैनी मोर माइलस्टोन्स फॉर आर क्वीन रूबीना दिलाइक, और 10 मिलियन के लिए आप लोग क्या तैयार है, इस तरीके से इन्होंने प्रश्न किया है बाकी रूबीहॉलिक्स से। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर और किस तरीके से सपोर्ट दिखा रहे हैं आप रूबीना दिलाइक को, ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर।